तो आज एक साइड नेवबार क्रिएट करते हैं। हम लोग साइड नेवबार क्रिएट करते हैं हमारे डैशबोर्ड पैनल के लिए। इसको किसी चीज के बाद में बात करेंगे, पहले अभी ये साइड नेवबार क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं अपना, अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरा एडमिन तो पड़ा हुआ है, पर एडमिन ने मैंने राउटिंग डाली है। क्यों नहीं डाली थी पता नहीं, जब क्रिएट किया था तब डालना भूल गया होगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब एक तो चीज कर सकता हूँ मैं डायरेक्टली एडमिन की, एडमिन ने राउटिंग फाइल बनाओ और फिर उसको फिर मैं वहां से फिर रेफरेंस डालू। पर मैं थोड़ा आलसी हूँ, मैं CLI का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो CLI इस्तेमाल करने के लिए मैं देखूँ app admin slash, ये देखो admin slash यहाँ पे है ना, तो मैं control C मार रहा हूँ, तो मैं इसको control भी मारूंगा। मैं क्या करूंगा, ng generate module admin, ng g for generate, ng g m for module admin slash routing, ये फाइल का नाम है, माइनस माइनस स्लैट माइनस माइनस मॉड्यूल इक्वल टू एडमिन, क्योंकि मेरा एडमिन का नाम है। यहाँ पे देखो माइनस माइनस स्लैट क्या करता है, फोल्डर्स नहीं बनाएगा, डायरेक्टली ये फाइल बनाएगी। साथ मेरा क्या करेगा, यहाँ पे माइनस माइनस मॉड्यूल को मैंने इक्वल टू एडमिन कर दिया, तो मैंने क्या किया बता दिया है कौन से मॉड्यूल में बनाना है, एडमिन स्लैश बनाना है। तो मैं अगर इसको एंटर मारूंगा हो जाए, चल जाए यार, अपडेटेड क्रिएटेड एडमिन राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस एडमिन मॉड्यूल डॉट टीएस, समझ रहे हो इसका इसका मतलब समझो विनोद, एनजी सर्व कर देते हैं। राउटिंग मॉड्यूल से यहाँ पे बन गई है, साथ में यहाँ पे एडमिन मॉड्यूल भी बन गई और यहाँ पे राउटिंग मॉड्यूल भी हो गए। मैं चाहता हूँ डायरेक्टली एडमिन राउटिंग मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल बनाता, उसमें एसक्यूएल रेफरेंस करता। छोटी चीज है, मैंने वहां पे इस कोड से कर दिया, सिंपल काम करने से मतलब है। यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे पब्लिक स्लैश होम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ सब काम कर रहा है, पैकेजेस में जा रहा है, मेरा हेडर भी चेंज होगा। अब ये जो इस तरह का हेडर है ना, सिंपल इस तरह का मैं साइड डायर में बनाऊंगा, थोड़ा सा अच्छा सा बनाते हैं आपके लिए। कैटेगरी नाम का कुछ फाइल है, पर मेरे पास कैटेगरी तो है नहीं। मेरे केस में क्या होगा एडमिन में, ओके डिग्री होगा और ट्रेनर होगा, ये दो चीज होने वाली है। तो कहीं ना कहीं मैं सोच रहा हूँ एक अलग से एक कंपोनेंट बनाओ डिग्री के नाम का, जी जी फॉर जनरेट सी फॉर कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नाम क्या होगा एडमिन स्लैश डिग्री। तो यहाँ पे एक और डिग्री हो गया। अब इसके साथ मैं एक और चीज करने वाला हूँ, मैं एक डैशबोर्ड कंपोनेंट बनाऊंगा जिसमें मैं चाहूंगा, अगर मैं ये वाला है ना इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा बताता हूँ आपको क्या, ये मैंने ये वाला कमांड था ना एनजी जी फॉर जनरेट शॉर्ट फॉर्म रखते हैं, जी करते हैं इसको, इसको सी करते हैं, एडमिन स्लैश करते हैं, एडमिन स्लैश साइड नेवबार, माइनस माइनस फ्लैट किया, इतना हटा दिया, ठीक कमांड है, एनजी जी फॉर जनरेट सी फॉर कंपोनेंट एडमिन स्लैश साइड नेवबार माइनस माइनस फ्लैट, ये क्यों किया, डैशबोर्ड क्यों नहीं किया बताऊंगा आने वाले सेशन में, ये तो अलग है यार, सब कुछ आने वाले सेशन में ही बताने वाला हूँ मैं। तो देख लो ये यहाँ पे क्रिएटेड हो गया, एडमिन मॉड्यूल डॉट टीएस भी हो गया, ये एडमिन डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस का अपडेट किया, ये सारे मैंने फाइल बन गए। अब एनजी सर्व कर देते हैं यार, देखते हैं रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंगुलर का यही फायदा है ना, हम लोग रन कर रहे हैं फटाक से रन हो जा रहा है। अगर आप कुछ लोग बहुत ही खुरावाती करते हैं, खुरावाती इन द सेंस यार मैं बताऊं यार, एक चीज को मिला के एक चीज जिसका काम है वो उसका नहीं करते, कुछ और करते हैं। अब मैंने ASP.NET Core का एप्लीकेशन बना दिया, मैंने ASP.NET Core नहीं यूज कर रहा हूँ, उसमें मैं JavaScript का कोड लिख रहा हूँ, अगर ASP.NET Core का यूज ही नहीं कर रहा हूँ तो फिर मैं महान हूँ यार, तो मैं लीजेंड बोलते हैं इनको, फिर उसमें काम करने में ज्यादा टाइम लगेगा आपको, पर हम तो डायरेक्टली कर देते हैं ना, हम एंगुलर का काम एंगुलर से करवाते हैं, बाकी किसी को नहीं करने देते हैं। देखो पब्लिक स्लैश होम हो गया और पैकेजेस में जा रहा है, कूल। तो साइट नेवबार डॉट कंपोनेंट HTML है ना, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग साइट नेवबार का कोड लिखने वाले हैं। उसके पहले एक डिग्री, सॉरी यहाँ पे हम एडमिन कंपोनेंट डॉट डॉट मॉड्यूल TS में ना, यहाँ पे हम वो कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग URL डाल देते, तो कंट्रोल डॉट करो, यहाँ पे राउट इंपोर्ट करो, और यहाँ पे डिग्री वाला जो कंपोनेंट है यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर दिया। अब जो राउट्स है ना, राउट्स को हम लोगों को यूज करना पड़ेगा, कहाँ पे यूज करना पड़ेगा वो बताता हूँ मैं आपको, @ng_modules है ना, यहाँ पे मेरे को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो राउटर मॉड्यूल डॉट इम्पोर्ट, यहाँ पे फॉर चाइल्ड इम्पोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे एडमिन मॉड्यूल्स, कॉमन मॉड्यूल मुझे जरूरत नहीं है यहाँ पे, जिस चीज की जरूरत नहीं होती वो नहीं करने का। अदर से कुछ एरर आ रहा है, कुछ एरर तो आ नहीं रहा है यहाँ पे, एक और चीज करनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे, जो एडमिन का ये राउटिंग मॉड्यूल TS है ना, इसको बताना पड़ेगा, कहाँ बताना पड़ेगा, देख रहे हो विनोद, मैंने यहाँ पे पब्लिक का डाला है, यूजर का डाला है, यहाँ पे यूजर प्रोफाइल का भी डाला है, पर कहीं ना कहीं मैंने उसका नहीं डाला है, मतलब एडमिन वाले का नहीं डाला नहीं है, तो मुझे एडमिन वाला का भी यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो एडमिन वाले का मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एडमिन डाला और यहाँ पे इम्पोर्ट एडमिन डॉट मॉड्यूल, ओके कुछ एरर नहीं है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ एडमिन स्लैश डिग्री करूंगा, देखो ना डिग्री वर्क्स आ रहा है, डिग्री वर्क्स आ रहा है यहाँ पे,
और ये जो साइड बार कंपोनेंट और टीएस है ना, यहाँ पे मैं चाहता तो वैसे भी कर सकता था, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपत्ति की है, तो मैं चाहता तो मैं अलग से एक शेड बना के भी कर सकता था, बट आई डिडेंट डिड दैट। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे आपको दिखाना था कि ऐसे भी होता है। साइड नैव बार वर्क आ रहा है और डिग्री वर्क आ रहा है, ये चीजें ना दो चीजें आ रही है आपके यहाँ पे। तो अब क्या करना है, साइड बार वाला हो गया, अब मुझे साइड बार का कंपोनेंट बनाना है। तुम्हें जरूरत किसकी है? साइड बार कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, बहुत सिंपल सा कोड होने वाला है। और प्योर टेलवेंट सीसेस का इस्तेमाल करूंगा, सीसेस का ना के बराबर यूज करने वाला हूं मैं। और साइड बार नैवबॉक्स वर्क्स भी हटा देता हूँ। सबसे तो पहले एक डिप बनाएंगे और डिप को एक आईडी दे देंगे साइड बार। साइड बार आईडी क्यों डाला? एक मिनट को मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर डाल जाऊँ। साइड बार क्यों डाला? साइड बार इसलिए डाला था कि कुछ कुछ यहाँ पे कुछ मेरे को सीएसएस क्लास अगर डालनी पड़ी लेटर ऑन, वैसे मैं डालने नहीं वाला हूँ, पर मैं आपको बता देता हूँ अगर कुछ गड़बड़ डालना चाहता हूँ तो डाल सकता हूँ लेटर ऑन। तो सबसे पहले मैं क्लास डालूंगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रीन डालूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जाओगे तो मैं कंपोनेंट्स में जाऊंगा, कंपोनेंट्स की नहीं डॉक्स की साइड में जाऊंगा। ठीक है, डॉक्स में अगर आप सर्च करेंगे एच स्क्रीन क्या है, तो यहाँ पे देखोगे एच स्क्रीन क्या है, व्यू पोर्ट एच स्क्रीन टू मेक एन एलिमेंट स्पैन द एंटायर हाइट ऑफ द व्यू पोर्ट। मान के चलो ना पूरा हाइट का पूरा होगा यहाँ पे, पूरा हाइट होगा ये, तीसरे में डाल के रखा है। मैं जनरली इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं किस तरह से यूज कर रहा हूँ। और विड्थ 16 डालूंगा। ठीक है, मैं इंस्पायर्ड बाय हॉटस्टार बोल सकते हो, हॉटस्टार में देखता हूँ तो हॉटस्टार किस तरह का नेटवर्क है उस तरह से बना रहा हूँ मैं। बीजी ग्रे होगा और मैं 100 यूज करूंगा, बीजी ग्रे 100। ये जो ऑलरेडी मैंने उस वाले में यूज किया था सेम ये यूज कर रहा हूँ। और मैं टेक्स्ट को व्हाइट रखूंगा। व्हाइट रखने के बाद मैं एक्स के साइज में पैडिंग 4 डालूंगा एक्स एक्सेस में, और मैं फ्लेक्स करूंगा। फ्लेक्स क्या होता है, ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, फ्लेक्स बॉक्स क्रिएट करने के लिए फ्लेक्स करूंगा, मतलब अलाइन करने के डेटा को किस तरह से अलाइन करना है वो चीजें। अगर नहीं पता तो आप पिछला वीडियो देख सकते हो, बोल रहा था कमेंट करो। मैंने यहाँ पे इस तरह से क्लास बनाया, एक सीसेस क्लास डाल रहा हूँ। क्यों डाल रहा हूँ सीसेस क्लास में? डालना ताकि मैं उसका वो डाल सकूँ, क्या बोल सकते हैं, एक फॉन्ट फैमिली डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं, वो देखेंगे अभी। ठीक है, तो अभी वो करते हैं, स्टैटिक रखूंगा और उसके बाद में फिक्स रखूंगा। शैडो डालूंगा, शैडो के बाद ट्रांजिशन डालूंगा, ट्रांजिशन ऑल करूंगा, ट्रांजिशन ऑल। अब देखूंगा ट्रांजिशन ऑल क्या, ट्रांजिशन पर प्रॉपर्टी इसमें थोड़ा सा दिखाया है, इसमें अगर मैं टाइप जब कर रहा हूँ ना तो मुझे आपको सजेशन दिखा रहा है, एक में देखोगे ना ट्रांजिशन ऑल प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन ऑल प्रॉपर्टी कुछ बारे में दिखा रहा है, तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाएगा। इस करेंगे बेसिकली मैं ट्रांजिशन डालना, ट्रांजिशन अपने हिसाब से डाल सकते, मैं ट्रांजिशन डाल रहा हूँ यहाँ पे। और उसका ड्यूरेशन डाल दूंगा कि ड्यूरेशन में कितना मिली सेकंड में है ना, तो मैं 300 मिली सेकंड कर देता हूँ ड्यूरेशन। जी इंडेक्स डाल दूंगा, जी इंडेक्स क्या होता है, जी इंडेक्स नहीं बता, सी वाली सीरीज देखो यार, अभी मैं सब बता दूं तो यहाँ पे मजा नहीं आएगा। सीएस वाली सीरीज देखो, सीएसएस सारे सीरीज देखो, यानी कि मैं बोल रहा हूँ सीएसएस की सीरीज क्वालिटी कवर किया मैंने। विड्थ हॉवर विड्थ 40 हो जाएगा। हॉवर पे एक और चीज करूंगा मैं, शेडो एक्सेल। अब मैं इसके बाद एक यूएल डालूंगा, ऑर्डर लिस्ट, इसकी एक क्लास बना दो लिस्ट रीसेट। अभी टेलविन चीज की क्लास है मेरे ख्याल से, कमेंट करो गलत बोल रहा हूँ तो। लिस्ट स्टाइल टाइप है, मैं देखो लिस्ट स्टाइल लिस्ट नन कर सकते हो, लिस्ट टिक्स विक्स ये बहुत सारी चीजें हैं, तो आप अपने हिसाब से तुम दे सकते हो जो तुम्हें चाहिए। उसमें मेरे को एक चीज बहुत मेरे को बेकार लगी टेलविन साइड में, भाई तुम दे तो रहे हो, बता रहे हो ये चीजें होगी, बट तुम्हें एग्जाम्पल भी देना चाहिए यहाँ पे, सही रहेगा। मतलब इमेज ट्राई करूंगा, अलाई का एक क्लास डालूंगा MY-2, मतलब वाई साइड में, वाई साइड में, वाई साइड वाई एक्सिस में मार्जिन डालेगा। अच्छा मेरा तार लटक रहा है वहां पे। अब मीडियम और उसके ऊपर वाले साइड में क्या होगा, MY में मैं मार्जिन 0 कर दूंगा। एंकर टैग बनाएंगे, HRF हैश रखते हैं, फिर अभी अभी चेंज करूंगा मैं HRF को, अपने हिसाब से कर दूंगा एंकर वो वाला क्या वाला ये एंगुलर का। आज यूज करने वाला हूँ ग्रुप ब्लॉक, ग्रुप करूंगा और ब्लॉक करूंगा, ये चीजें होंगे वाली है। PY-1 पैडिंग करो MD, और उसके ऊपर वाले में क्या होगा, पैडिंग PY-3 हो जाएगा और एक PL-1 भी होगा पैडिंग लेफ्ट साइड में, तुम दिखा रहा है मेरा सजेशन भी दिखा रहा है। अलाइन इसको अलाइन अलाइन करने के लिए क्या अलाइन में ऑप्शन है, तो मैं अलाइन मिडिल कर दूंगा, मिडिल में अलाइन करने के लिए। टेक्स्ट ग्रे डालूंगा यहाँ पे, मैं टेक्स्ट ग्रे थोड़ा सा डार्क डालूंगा ताकि थोड़ा सही लगे। 600 मैं अंडरलाइन अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ, अंडरलाइन नहीं होगा, तो आपको अंडरलाइन चाहिए तो अंडरलाइन के कर सकते हो। इसमें होवर में क्या कर सकते हो, होवर में मैं एक और चीज कर रहा हूँ, होवर में मैं यहाँ पे टेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, रेड 900, टेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, रेड 500। एक और चीज
मैंने ग्रुप क्यों डाला? कुछ लोग मुझसे पूछेंगे मैंने ग्रुप क्यों डाला, ग्रुप मैंने इसलिए डाला था कि मेरा जो ये है और उसके अंदर वाला भी जो भी चीज होगी ना, जो भी चीज एंकर के अंदर वाली उसमें जा कर सकता हूँ। हाँ उसको भी मैं मतलब उसमें कुछ कर सकता हूँ, मैं अंदर वाले भी क्लिक करूँ तो वो भी होवर चल जाए, उसका भी दोनों का एक साथ, उसके अंदर वाले भी अगर होवर होकर सेम होवर डालना है, सेम चीज डालनी है, तो मैं ग्रुप करूंगा। अब मैं इसके अंदर वाला एक चीज करने वाला हूँ, मेरे को एक और यहाँ पे फॉन्ट आइसम के आइकन चाहिए। अब मैं यूज कर रहा हूँ एंगुलर का फॉन्ट आइसम, तो एंगुलर के फॉन्ट आइसम पे थोड़ा सा लफड़ा, डायरेक्टली एफ ए नहीं काम करता है, मुझे एंगुलर की क्लासेस यूज करने पड़ेंगे, या फिर मैं एसवीजी टैग यूज कर रहा हूँ जो कि पिछले बार में बताया था, वैसे भी कर सकते हो। तो भी अभी यहाँ पे ओके टीएस में जाऊंगा, इसके यहाँ पे फॉन्ट आइसम मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा, फॉन्ट आइसम। अच्छा फॉन्ट आइसम मेरे में इंस्टॉल नहीं है क्या? मैं अगर चेक कर रहा हूँ, कैसे देखना पड़ेगा पैकेज डॉट जेसन, यार रीडमी यू, यार पैकेज डॉट जेसन में ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मेरा फॉन्ट रसम इंस्टॉल है कि नहीं है। ओके फॉन्ट रसम इंस्टॉल नहीं है, ओके तो पहले फॉन्ट रसम को इंस्टॉल करते हैं। फॉन्ट रसम एंगुलर यूजर लेटेस्ट, अब मुझे इंस्टॉल कैसे करना है, एंगुलर में जाना है, इंस्टॉल करते हैं एंगुलर फॉन्ट रसम, एनजी सर्व रन कर देते हैं और इसका पैकेज डॉट जेसन में जाते हैं। ओके एंगुलर फॉन्ट रसम आ गया ना, ओके डायरेक्ट मैं एसवीजी टैग का भी यूज कर देता हूँ, पर एंगुलर फॉन्ट रसम मैंने यूज किया यहाँ पे, तो अभी तो मैं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फॉन्ट रसम लिख देता हूँ। फॉन्ट रसम मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया, फोर्थ क्लास में डालूंगा मैं, तीन चीज डालूंगा मुझे, कहीं एफ ए हाउस चाहिए, एफ ए राइट चाहिए, और यहाँ पे एफ ए राइट फ्रॉम ब्रैकेट, ये चीजें लॉगआउट का चाहिए और एक मेरे को यूजर का चाहिए। ये इंस्टॉल कर दिया था मैंने, एन जी एड ये वाला गड़बड़ हो गया यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मॉड्यूल हटाता हूँ, आज सुबह से गड़बड़ ही गड़बड़ हो रही है, पता नहीं क्या दिक्कत है, यहाँ पे भी इसको हटाता हूँ, हटा दिया मैंने। ठीक है तो अब थोड़ा क्या करते हैं, एंगुलर का ये पैकेज इंस्टॉल करते हैं। तो क्या बोला, एन पी एफ यूजिंग एन जी यूजिंग एन पी एम, ठीक है एट द रेट वर्जन देखोगे, एट द रेट फॉर्मेशन एट द रेट वर्जन, तो मैं बेसिकली मुझे क्या चाहिए, अगर मैं यहाँ पे आऊँ एट द रेट वर्जन 6.4.2.4.2, क्या आ रहा है भाई, इसको इतना से हो गया वर्जन, अच्छा 6.4.2, यहाँ पे जाऊँ एन जी एट द रेट फॉन्ट फॉन्ट 6.4.2, एंटर मारा, क्या गड़बड़ कर रहा है, एट द रेट 6 किया मैंने, पैकेज रन कर रहा है, स्टॉलिंग पैकेज कर रहा है, फॉन्ट रसम 6, ऑब्वियसली मैं 6 करूंगा, फ्री सॉलिड आइकन्स फ्री रेगुलर आइकन्स, यहाँ पे ये देखो इसकी क्या बोल रहा है तुमको, यहाँ पे देखोगे मैं सॉलिड आइकन्स ही कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ फॉन्ट रसम आइकन्स में जाऊंगा, अगर मैं स्टार्ट फॉर फ्री, अरे सेंड बटन कुछ नहीं, यहाँ पे अगर मैं कुछ भी जाऊँ, जैसे होम मैंने टाइप किया, यहाँ पे होम टाइप किया मैंने, यहाँ पे मैं जब यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे क्या बोलेगा, यहाँ पे देखो सॉलिड आइकन रेगुलर आइकन और यहाँ पे लाइट आइकन, तो मुझे सॉलिड सही लग रहा है तो मैं सॉलिड पे जाऊंगा, फ्री सॉलिड आइकन किया, चाहे तो कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो, मैं सॉलिड आइकन इंस्टॉल कर रहा हूँ, अपडेटिंग पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूँ, एन जी सर्व उसको रन करते हैं, पर ही है ना, यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊँ और जैसे मुझे पता है मैं नीचे आऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा ना, मेरे को नहीं किया वो ऐसा बना के कुछ देता था। फॉन्ट रसम को देखो 6.4.0, ये एसवीजी कोर 6.4.0 किया, चलो ठीक है नया वर्जन है मेरे ख्याल से। अब इसके बाद क्या करूंगा, मैं जाऊंगा एडमिन मॉड्यूल टीएस में, यहाँ पे ये यार सिंबल क्या कर रहा है, फॉन्ट ऑसम मॉड्यूल तो हो गया, इसके साथ मैं एक और चीज करने वाला हूँ, यहाँ पे कुछ इम्पोर्ट्स करूंगा, ये देखो एफ ए हाउस कर देंगे, फिर यहाँ पे सॉलिड आइकन्स और यहाँ पे वर्ड एस वी जी आइकन्स, यहाँ पे मेरा क्या बन के आ रहा है, ये देख लो ना, यहाँ पे इतना ये बन के आ रहा है, खाली बन के आ रहा है, देखो ना इतना, अब इसको अभी सही करेंगे और सही करते हैं। इसके बाद एफ ए आइकन क्लास होता है, एफ ए आइकन, इसमें आइकन डालेंगे, आइकन को क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से करते हैं, इसका जो नाम यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लियर कर रखा था, जैसे होम करना है तो होम डालूंगा, तो इसमें एफ ए वाला आ जाएगा। अब मैं डायरेक्टली क्यों नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग बोलेंगे क्योंकि मैं सी एस एस एंगुलर में इस तरह से ही करते हैं, एंगुलर में आपको डायरेक्टली एफ ए आइकन वाला करो तो नहीं चलेगा, क्लास डालना है, क्लास एक डालूंगा एम आर 3 मार्जिन 3 डालूंगा, उसके साथ में यहाँ पे होता है ग्रुप होवर। अब ग्रुप होवर क्या होगा ना, ग्रुप होवर में मैं दोनों को एक साथ दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे बोल्ड कर दूंगा, मतलब एक एंकर टैग बनाऊंगा उसमें भी दिखाना चाहता हूँ और ये आइकन में भी दिखाना चाहता हूँ, इसके अंदर वाले में भी दिखाना चाहता हूँ, तो मैं अभी दिखाऊंगा अभी मैं आपको एक चीज, एफ आइकन तो हो गया ना, अब ये तुम्हारा एंकर टैग के अंदर एफ आइकन भी आएगा साथ में एक स्पैन भी आएगा,
तो स्पैन टेक को भी मैं सेम चीज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं अगर यहाँ पे आऊँ, स्पैन में क्लास डाल दूंगा, क्लास कौन सी डालनी है स्पैन में? एक तो ओपेसिटी, मतलब बाय डिफॉल्ट में उसको जीरो, मैं दिखाना नहीं चाहता इसको, और इसको एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिलेटिव मैंने ऑलरेडी बताया पिछले वाले सीरीज में, जाके चेकआउट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। विथ फुल कर दिया, सारी वीडियो में बताया, और सीसी वाली सीरीज में बता रहा हूँ एब्सोल्यूट क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, फिक्स क्या होता है, सब कुछ बताया हम लोगों ने। इनलाइन एक ब्लॉग बना दूंगा साथ में, उसके साथ में एक बॉटम में एक पैडिंग डालूंगा, एक की पैडिंग, और एमडी में मैं बॉटम में पैडिंग जरूर करूंगा, मीडियम के ऊपर वाले में। अब मैं टेक्स्ट एसएम कर रहा हूँ, तुम चाहो तो टेक्स्ट थोड़ा मीडियम कर सकते हो या थोड़ा लार्ज कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं इसमें भी ट्रांजिशन डाल दे रहा हूँ, ट्रांजिशन ऑल कर दिया। अब किस तरह का ट्रांजिशन करना है, और एस आउट करूंगा, मैं ड्यूरेशन कर दूंगा 100, ग्रुप होवर कर दूंगा, फॉन्ट बोल्ड कर दूंगा, और इसको मैं होम कर दूंगा। एल आई वाला हो गया, मतलब एक एल आई बन गया। इस तरह से मैं दूसरा एल आई भी बना सकता हूँ, मैं सेम क्या चीज करूंगा, ये चीज है तो ये एल वाली, इसको मैं कॉपी कर दूंगा एल आई वाले को, एल आई वाले को कॉपी करके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, सेम चीज पेस्ट कर दिया। और इसमें क्या होगा ना, थोड़ा चेंज कर देते हैं, और ये इसको यूजर कर देता हूँ, यूजर आ जाएगा, बाकी इसमें मैं यूजर कर देता हूँ, बाकी सब कुछ सेम है, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ इसके अलावा। और यहाँ पे मैं एल आई को एक और पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं लॉग आउट कर देता हूँ, मैं तीन चीज बना रहा हूँ बेसिकली, और यहाँ पे भी लॉग आउट कर दूंगा। देख लो अभी इसे आ रहा है, पर इसका नेम और ये सब चीजें नहीं आ रही है, इसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा, ये वाला सही सेट करना पड़ेगा, नाम नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको देखूँ, फॉन्ट होम तो आ रहा है, पर होम का ये आ नहीं रहा है, सेट करना पड़ेगा इसको लिए। थोड़ा सा एक सीएसएस क्लास डालते हैं, एक सीएसएस क्लास डालूंगा, और फिर उसको वीडियो को एंड करते हैं। साइड बार का जो है होवर में ओपेसिटी 1 कर दूंगा, होवर के जो स्पैन जो होगा ना उसमें ओपेसिटी 1 कर दूंगा मैं बस। साइड बार के होवर के ओपेसिटी में साइड बार जो होवर है ना, साइड बार के होवर स्पैन जो पड़ा हुआ है जितने भी मेरे यहाँ पे स्पैन टैग, उसके अंदर जो होवर एक्टिविटी है ना उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक चीज कर रहा हूँ ओपेसिटी 1। ये देखो यहाँ पे इस तरह से ये चीजें बढ़िया आ रहा है, मेरे ख्याल से सही आ रहा है। इस तरह का नेवबार, सिंपल नेवबार, ये देखो ये सिंपल है, और यहाँ पे क्या डिग्री वर्क्स आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा कंटेनर इसका कुछ चेहरा चेंज करना पड़ेगा, अनदर सेशन में इसको सही करेंगे। उसके पहले एक और चीज देख लेता हूँ मैं, अगर ज्यादा ज्यादा बता दूं आपको, एंगुलर फॉन्ट रसम के सारी चीजें बंद करने वाला। फॉन्ट नेम भी कुछ है क्या, फॉन्ट फैमिली है मेरे पास, मेरे पास बहुत सारे फॉन्ट फैमिली है, अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं यहाँ पे, फॉन्ट फैमिली का अलग अलग है, फॉन्ट फैमिली मोनो मोनो कुछ डाल सकते हो, मोनो कलर फॉन्ट, मोनो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मैं फॉन्ट मोनो डाल दूं फॉर एग्जाम्पल, बताऊं आपको, फॉन्ट मोनो डाल दिया, तो फॉन्ट मोनो सही है, ओके फॉन्ट मोनो, तुम्हें फॉन्ट मोनो चाहिए, या फिर फॉन्ट मोनो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चिपका रहा है फॉन्ट मोनो, समझ रहे हो ना? अगर होवर पे फॉन्ट शरीफ कर सकते हो, फॉन्ट शरीफ करते हैं यार, शरीफ मोनो भी सही लग रहा है, पर आइकन छोटे छोटे है। अगर मैं होवर पे कर दूं फॉन्ट शरीफ, ये मेरे सही लग रहा है, ठीक है। इसका थोड़ा सा साइज आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, और इसको क्या करेंगे, वीडियो को एंड करते हैं। होप वीडियो सही लगा स्पैम का। यहाँ पे मैंने टेलीविन सीरीज कितना यूज किया, आप अगर चेक करोगे टेलीविन सीरीज का, पूरा टेलीविन सीरीज यूज किया। कंपोनेंट में एक चीज नहीं, ये साइड बार का होवर का स्पैन। अब साइड बार का होवर का स्पैन अगर मैं देखूं यहाँ पे, सही करने की कोशिश करूं, ओपेसिटी 1 होगी साइड बार का, ओपेसिटी कहाँ रखा है मैंने, अगर यहाँ पे सर्च करूं ओपेसिटी, ओपेसिटी 1 करूंगा, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा अगर देखूं ओपेसिटी 1 करने की कोशिश करूं, हो जाए तो ठीक है, ओपेसिटी 1। अगर मैं यहाँ पे जाऊं होवर पे ओपेसिटी 1, ओपेसिटी 100 कर दिया, ठीक है, ओबेसिटी होवर पे ओबेसिटी 100 कर दिया। और स्पैन का भी अगर होवर पे मैं ओपेसिटी ओपेसिटी 100 कर देता हूँ, ये मैं होवर पे कर रहा हूँ, एक मिनट को, इस तरह से जाएगा। हाँ तो मैं अगर इसके भी होवर पे कर दूँ, और यहाँ पे भी होवर पे मैं कर दूँ, देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं करेगा तो यही कर दूंगा, बाकी तो टेलीविन सीरीज का ही यूज, पूरी प्योरली हम टेलीविन सीरीज का यूज कर रहे हैं, ये देख रहा। अच्छा होवर पे ये आ रहा है ना, ओवर पे ही आएगा वरना नहीं आएगा, ओवर पे ही आ रहा है, ओवर पे आ रहा है वो, बिना ओवर पे नहीं आ रहा, पर मैं चाहता हूँ कि ओवर पे ये सारा पूरा होना चाहिए ओपेसिटी। जब मैं होवर करूँ यहाँ पे तो मेरा ओपेसिटी सबका ओपेसिटी से चेंज होने जाना चाहिए, तो
उसके लिए के लिए एक और क्लास है मेरे पास। अगर मैं ग्रुप ओवर करूं तो ग्रुप ओवर करता हूं, पर मुझे यहाँ पे ग्रुप डालना पड़ेगा। ओके ओके, तो मुझे यहाँ पे ग्रुप डालना पड़ेगा। इसके अंदर वाला ग्रुप होना चाहिए। ओके, इसके अंदर वाला ग्रुप होवर होना चाहिए, वो आपका काम रखते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा ज्यादा आलसी बनाऊं, मैं थोड़ा आलसी हूं, तो मैं करूंगा स्पैन का जो ओवर ओवर ये ओवर ओपेसिटी 0, ये वाला मैं नहीं करने वाला। आपके लिए रखते हैं इसका थोड़ा सा टेलीविजन जैसे आपको यूज करना पड़ेगा। आप अंदर वाला भी मैंने उस तरह का बताया आपको ग्रुप में कैसे कैसे करते हैं, तो वो आप चेकआउट करें। मैं अभी के लिए ये साइड बार का जो ये इतना है ना, इसको मैं यहाँ पे इस ओपेसिटी को देता हूँ, इसको यहाँ पे। अब देखो आप सही रहता है यहाँ पे ये ओपेसिटी। होवर जब भी होगा ना तो होवर पे यहाँ पे ये क्लास लग जाएगा। अब इसके बाद मुझे एक और चीज करनी पड़ेगी, यहाँ पे थोड़ा और चीज बता देता हूँ क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। जब मैं होवर पे करूंगा तो मेरा ये मतलब क्लिकेबल होगा, तो मेरा फिर यहाँ पे इस तरह से करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे होम की जगह पे मैं क्या करूंगा ना, मैं एक डैशबोर्ड करूंगा। मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूँ ताकि सही रहे आपके लिए, थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे ये डैशबोर्ड होने वाला है, और क्या होने वाला है यहाँ पे, आइकन यूजर और लॉग आउट किया। ठीक है, तो लॉग आउट इसके साथ साथ मैं और भी चीजें करने वाला हूँ यहाँ पे, और भी चीजें होगी यहाँ पे डैशबोर्ड है साथ में मेरे पास, और भी चीजें होने वाली। क्या क्या चीजें होने वाली है, मेरा कहीं ना कहीं डिग्री पेज होगा, और कहीं ना कहीं मेरा यहाँ पे एक और चीज होगा ट्रेनर का। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट रेसन चूज कर सकता हूँ। अगर मैं जाऊँ यहाँ पे फॉन्ट रेसन एंगुलर की साइड में जाऊंगा, यूज द लेटेस्ट वर्जन। अच्छा यही भी दिया हुआ है इसने यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल इसका कहाँ पे दिया हुआ है यार, कुछ फीचर लिस्ट में जाओ, यहाँ पे कॉफी का दिया हुआ है, स्वापर का दिया हुआ है, तो मैं क्या कह सकते कैसे पता चलेगा। तो ये जानूंगा अगले वाले वीडियो में, अगले वाले वीडियो जानेंगे, अगले को थोड़ा सा और सही करेंगे। आई होप डैशबोर्ड पैनल वाला सही लगा आपको, ये सिंपल सा डैशबोर्ड पैनल। थोड़ा और भी चीजें कर सकते हो यहाँ पे, कुछ ऐसा बटन बना के आप पूरा दिखाना है तो दिखा सकते हो। साथ में मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा एक और चीज कर दूं साथ जाते हैं। अगर मैं देखूं एंगुलर मटेरियल में कुछ है क्या, एंगुलर मटेरियल के इस वाले वर्जन में गया, कंपोनेंट्स में गया मैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं एंगुलर मटेरियल की। एंगुलर मटेरियल भी थोड़ा चेकआउट कर सकते हो अगर सही लगा आपको। चेकबॉक्स है, डायलॉग बॉक्स है, बहुत सही सही चीजें हैं भाई। या आप माई ऐप टूल बार बना सकते हो यहाँ पे इस तरह से, देखो टूल बार बढ़िया सा टूल बार। एग्जाम्पल में अगर देखूँ बेसिक टूल बार है, इसमें कुछ क्लिकेबल नहीं है, क्लिकेबल वाला नहीं है, ठीक है नॉट सो गुड, बट यहाँ पे बढ़िया सा है, ऐसा ऐसा नहीं कि है नहीं, कुछ बहुत सारी चीजें हैं भाई। अब साइट 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 नैब में जाऊंगा, बस साइट नैब ऑलरेडी था पर मैंने इसको यूज नहीं किया क्योंकि मुझे टेलविन सीएसएस ज्यादा अच्छा लगता है। एग्जाम्पल में जाऊंगा, थोड़ा सा ये नॉर्मल वाला है, टॉगल वाला, टॉगल ड्रॉवर कुछ ऐसे क्लिक करूंगा, साइड बार, साइड ओवर, ओवर का भी ऑप्शन हैज बैकड्रॉप टू। एक चीज देखना चाहता हूँ मैं ऐसा करना नहीं चाहता पर मैं करूंगा अभी। ओवर पे मैं अगर बैकड्रॉप ओपेसिटी कर दूं इतना 60 करता हूँ, और यहाँ पे कुछ ऐसा है लिखा है, यहाँ पे मैं अगर जाऊँ डिग्री कंपाउंड HTML में, यहाँ पे लॉरेम कुछ करता हूँ पी, और कुछ लॉरेम। अब मैं यहाँ पे जाऊँ इसका बैकड्रॉप का भी कुछ और है, बैकड्रॉप ओपेसिटी और बैकड्रॉप इन्वर्ट बीजी वाइट। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ यहाँ होवर पे एक और है, तो देखना पड़ेगा इसको। तो होवर का ये जो चीजें है ना, ये मैं थोड़ा सा आपके लिए रखता हूँ बैकड्रॉप का चीजें। बाकी वीडियो सही लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और मिलूंगा दूसरे वीडियो में। डैशबोर्ड बनाने का मैंने यहाँ पे ये डैशबोर्ड का ये बना दिया, आई होप सही रहेगा ये वाला। इसको आपका URL चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, आप इसमें बॉर्डर बॉर्डर थोड़ा दिखा के अच्छा सा बना दो, मतलब जब सेलेक्टेड रहे तो कुछ बॉर्डर बॉर्डर बक्सा बन के आए कुछ बढ़िया सा। अगले वाले वीडियो में मिलेंगे, यहाँ पे इसको मैं एग्जैक्टली बढ़िया से करने वाला हूँ। अब डिग्री करूंगा, डिग्री पे काम करेंगे। अगर मैं पब्लिक स्लैश होम पे चला जाऊँ, देखो ये नैब बार, ये वाला नैब बार है अच्छा सा, साथ में मेरा एडमिन स्लैश डिग्री भी हो जाएगा। अब मैं डायरेक्टली जा पा रहा हूँ, मैं क्या करूंगा आने वाले सेशन में लॉग इन बंदे ही को ये एडमिन डैशबोर्ड पे दूंगा, और यहाँ पे कुछ यूजर सर ये चीजें हैं, अगर ये बंदा इस परमिशन होगी तभी मैं उसको यहाँ पे क्या डाल दे दूंगा डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड का मैं लिंक दूंगा नहीं, डैशबोर्ड का लिंक तब दूंगा अगर उस बंदे के पास एडमिन परमिशन है, तो मैं डैशबोर्ड का लिंक देने वाला हूँ, वरना यूजर का ये जो यूजर और ये सब चीजों को मैं दिखाने नहीं वाला हूँ। तो वो सब अगले वाले वीडियो बनेंगे, कुछ ट्रांसलेट का भी काम करेंगे इसको। अभी हम लोगों ने क्या किया इंग्लिश वाले लैंग्वेज में, आई एम थिंकिंग ऑफ टू
टू ऐड मोर लैंग्वेजेस इन दिस सो दैट सही रहे. तो ठीक है, आने वाले सेशन में जानेंगे. टिल देन बाय एंड टेक केयर.